नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम नरेंद्र सिंह तोमर महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्ली पत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में यहाँ पर नवग्रह स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये नवग्रह स्तोत्र है और नवग्रहों की शांति के लिए ये एक उत्तम स्रोत स्तोत्र माना जाता है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युत्यम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधि शंख तुषाराभम शीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। प्रियंगल प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्यगुणे गुणोपत्पेतम तम बुधम प्रणाम्यहम। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारां भार्गवं प्रणमाम्यं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यं। पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यं। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवावा यदि वा रात्रौ विघ्न शान्तिर्भविष्यति नर नारी नरपाणां च भवेद्स्वप्न नाशनम ऐश्वर्यम् अतुलम तेषाम् आरोग्यम पुष्टिवर्धनम्। महर्षि व्यास रचित नवग्रह स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब हम यहाँ कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो जहाँ व्यापार में हानि हो रही हो या लाभ न हो रहा हो और जहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो घाटा क्यों हो रहा है फायदा क्यों नहीं हो रहा है तो वहाँ कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त इसके अलावा एक पूरी विस्तृत फिल्म हम इस पे आगे लाएंगे। कुछ उसमें ऐसे बहुत ही काम की चीज़ें हैं स्तोत्र हैं सूत्र हैं सूक्त हैं लक्ष्मी सूक्त है उसमें गोपाल सहस्त्र नाम है उनका यहाँ वर्णन करेंगे। तो अभी हम यहाँ कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के पराक्रमी और परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में यह उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कनकधारा स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इससे इसके उच्चारण से भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी इसलिए इसका नाम कनकधारा स्तोत्र है क्योंकि इससे उन्होंने सोने अकाल की स्थिति में सोने की वर्षा करवा दी थी।
तो इसके श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से और अनुष्ठान आदि से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और इसमें आचार्य शंकर जी ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा करवाई थी। तो ये कर्ज निवारण के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो स्रोत हैं उनमें से एक ये कनकधारा स्तोत्र है। ऐसे जो उत्तम श्रेष्ठ और वो बृहद प्रकृति के यानी तेज तासीर के यानी उच्च कोटि के जो वो हैं उनमें से एक ये स्तोत्र है जिसका हम यहाँ आज उच्चारण कर रहे हैं, कनकधारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगलदास्तु मम मंगलदेवताया मुग्धा मुहुर्दधती वदने पुरा मृ मुग्धा मुहुर्दधती वदने मुरारे प्रेम प्रणिहायितानि गतागतानि मालाद्रशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्दमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया आमीलताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दकन्मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिके पक्षमनेत्रं भूत्वयि भवेन्मं भुजङ्गशयाङ्गनाया वायवन्तरे मधुजितशितु कौस्तिम्भेयाहारावलीवहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणं आवहतु मे कमलालया कालाम्बुलिललितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिङ्गनैव तडिदङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं प्रदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापत्ते तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मदालसं च मकरालये कन्यकायाः दद्याद्दयापनुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् कैञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णै दोषकर्म धर्म मपनीयचिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्ट मतो यो अपि तथा यया दयार्द्रष्टेया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्ट कमलोदर दीप्तरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेत गरुड़ध्वज सुंदरीत शाकंबरीत शशिशेखर वल्लभेत सृष्टि स्थित प्रलय केलेषु संस्थाये तस्यै नमः त्रिभुवनैक गुरु गुरुस्तरुण्यै श्रोत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाये शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रिणि केतनाये पुष्टये नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये नमोस्तु नालीक निभाननाये नमोस्तु
दुग्धोदधिजन्म भूत्वाई नमोस्तु सोमामृतसोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये संपत्कराणि सकलेन्द्रियनंदनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशङ्कलयन्तु मान्यै यत्कटाक्षसमुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धवाल्यशोभे भगवति हरवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरे प्रसीद मह्यम् दिग्दिग्गैस्तिभि कनककुम्भ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारुजल पुलंगतांगी प्रातर नमामि जगतां जननीं शेषलोकादिनाथ गृहिणी अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरिते रंगतैरपांगे अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पातकत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रवाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुध भाविताशया श्री भगवत पाद शंकर विरचितं कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। हम यहाँ इसका अत्यंत उपयोगी होने के कारण एक उच्चारण और कर देते हैं। जिन लोगों पे वो हो संकट हो, वो जो साधना और सिद्धि में हो, कर्ज निवारण और लक्ष्मी प्राप्ति की में, तो वो जो हमारे अन्य पूरे विधान और जो उच्च कोटि के जो स्तोत्र सूक्त हैं उनके साथ में इसका भी उच्चारण श्री यंत्र के और कनक धारा यंत्र के समक्ष सुबह, दोपहर और शाम, ये तीन संध्याओं में जरूर करना चाहिए। और संभव हो तो रात्रिकालीन साधना कनक धारा स्तोत्र के साथ भी की जानी चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं और ज़्यादा इसमें खोल के बताया नहीं जा सकता। इसका मैं एक बार पुनः उच्चारण कर दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा संख्या में आप इसको पलट पलट के कॉपी कर लेंगे तो वो संख्या पूर्ण हो जाएगी। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रियंती भृगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहु विर्दधती वदने मुरारे प्रेम पद प्रेमत्र प्रणीहितानि गलंगतागतानि मालादर्शोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी ब्रह्मदानद क्षमानंद हेतुरधिकं मुरविद्वशोऽपि ईशन्निषीदतु मय क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः आमीलिता क्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दं मणिमेष मनङ्गतन्त्रम् आकेकर स्थितकनीनिक पक्षमनेत्रं भूत्यै भवेन्मं भुजङ्गशयाङ्गनाया बावन्तरे मधुजिताशितकौस्तुम्बे या हारावलीव हरिनील विभाति कामप्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिल लितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदंगनेव
मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी मे दिशतु भार्गव नंदनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्य भाई मधुमाथिन मन्मथिन मय्यापत्ति तद्य मंतरमीक्षणार्धं मदालसं च मकरालकन्यकाया दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारान्निस्मिन्न किंचन विहंगशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्म पपनीय दुष्कर्म धर्म अपनीय चिराय दूर नारायण प्राणी नयनाम्बुवा इष्टा विशिष्टितो मतयोपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां पुष्टिं कृपीष्टमं पुष्करविष्टराया गीर्दिदेवेतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलसु संस्थाये तस्यै नमस् त्रिभुवनेक गुरुतो गुरुस्तुरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुकं शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणाणवाये शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनाये पुष्टये नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये नमोस्तु नालीक निवाननाये नमोस्तु दुग्धोदधि जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्द्वनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसंपद संतनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्यस्तिभिकनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलपुलताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेषलोकाधिनाथ गृहिणीं मृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरिते रंगतैरपांगे अवलोकय माम किंचनानां प्रथम पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयं त्रिभुवन मातरं रमामि गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुधभाविताशाया श्रीमद्भगवत्पादशङ्करविरचितं कनकधारा सूत्रं सम्पूर्णम्।